17 जून 2015 के अनामलाई को उडुपी का एसपी बने 6 महीने ही हुए थे। यहाँ के कुड़ापुर इलाके में 17 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। उस बच्ची की मां ने अन्नामलाई से पूछा, क्या तुम मेरी बच्ची को वापस लाओगे? डेक्कन क्रॉनिकल अखबार को दिए एक इंटरव्यू में अन्नामलाई ने कहा था, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल था। एक माँ की आंखों में देखकर जवाब देना जिसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ रेप हुआ और फिर हत्या कर दी गई हो। मैंने उनसे कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि वो सबके दिलों में रहे, सबको याद रहे। के अन्नामलाई का जिक्र क्यों? क्योंकि कर्नाटक कैडर के पूर्व आईपीएस अफसर को तमिलनाडु बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। पिछले साल 2020 में वह बीजेपी में शामिल हुए थे। एल मुरुगन के मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद खाली हुए प्रदेश अध्यक्ष पद पर युवा चेहरे अन्नामलाई को लाया गया है। वे राज्य में बीजेपी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। जानते हैं कौन है के अन्नामलाई? आईपीएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आने वाले अन्नामलाई की कहानी क्या है? नाबालिग से रेप और हत्या की घटना के बाद के अन्नामलाई ने बिंदूर तालुक में 10वीं कक्षा की परीक्षा में टॉप करने वाली छात्राओं के लिए पीड़िता के नाम पर अक्षत देवाडिगा स्कॉलरशिप की शुरुआत की, जिसके तहत हर महीने 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये पिछले 5 साल से चल रही है। 27 मार्च 2015 को उडुपी पुलिस ने एक सुरक्षा ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के तहत कोई भी व्यक्ति पुलिस को शिकायत दर्ज कर सकता है, साथ ही उस शिकायत पर क्या काम हो रहा है वो भी देख सकता था। इसके अलावा लोग अपनी शिकायत सीधे एसपी को भेज सकते थे। ये वहां के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला था जिसे आम लोगों ने खूब सराहा। इस ऐप को लॉन्च करने वाले खुद तत्कालीन एसपी अन्नामलाई ही थे। 26 जुलाई 2016 कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के विरोध में प्रदर्शन तो आम बात है, लेकिन लोगों का ये प्रदर्शन वहां के एसपी अन्नामलाई के समर्थन और उनके ट्रांसफर के विरोध में था। लेकिन अगर एक बार ऐसा हुआ होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन दोबारा 16 अक्टूबर 2018 को कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ। इस बार भी इसी एसपी के समर्थन में और इनके ट्रांसफर के विरोध में। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना बेहद मुश्किल है। 1 अक्टूबर 2015 को मंगलुरु के मिलाग्रेस कॉलेज के करीब 400 स्टूडेंट्स ने बाइक रैली निकाली। इस रैली में एक खास बात थी, सारे स्टूडेंट्स हेलमेट पहने थे। ये रैली हेलमेट पहनने को प्रोत्साहन देने के लिए निकाली गई थी। तब राज्य में हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं हुआ करता था। इस रैली के सूत्रधार थे वहां के एसपी अन्नामलाई। कर्नाटक के इस इलाके में मणिपाल यूनिवर्सिटी, कई इंजीनियरिंग कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थाएं हैं। जाहिर है कि छात्रों की तादाद भी काफी ज्यादा होती है। यहाँ छात्रों से सीधे मुलाकात और बातचीत करने वाले पुलिस अफसर की तरह देखे जाते थे अन्नामलाई। हेलमेट पहनने को प्रोत्साहन देना, ड्रग्स इस्तेमाल के खिलाफ छात्रों में प्रचार करना, ट्रैफिक और अन्य नियमों में सख्ती लाना, महिला सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात करने, सुरक्षा ऐप जैसे काम और उनके ऑलवेज अप्रोचेबल रुख के लिए अन्नामलाई को सिंघम का नाम मिला। चिकमंगलूर जिले में बतौर एसपी उनकी पोस्टिंग के दौरान 2017 के दिसंबर महीने में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। मामला कुछ अयोध्या विवाद जैसा ही था। यहाँ एक विवादित धार्मिक स्थल में 20,000 लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की। उस वक्त अन्नामलाई की भूमिका की सराहना की गई। वहां दंगा रोकने के लिए उन्होंने पीस कमेटी का गठन किया और लगातार लोगों से बातचीत और इलाके में पुलिस की लगातार मुस्तैदी से शांति व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब रहे। उडुपी में रहने के दौरान ही उन्होंने कुरान का अध्ययन भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन वहां पर कई इलाकों में मुसलमानों की काफी ज्यादा तादाद थी। आईएसआईएस में युवाओं की भर्ती को लेकर काफी अफवाहें भी थी। ऐसे में उनके समाज को बेहतर समझने के लिए उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया, जो उन्हें यहाँ दंगा होने से रोकने और समुदाय के लोगों का विश्वास जीतने में काफी मददगार साबित हुआ। अन्नामलाई ने कोयम्बतूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, उसके बाद एमबीए करने आईआईएम लखनऊ पहुंच गए। डेक्कन क्रॉनिकल अखबार को दिए एक इंटरव्यू में अन्नामलाई बताते हैं, यूपी मेरे लिए एक सदमे की तरह था। वहां लोग 5 रुपए के लिए हत्या कर देते थे। मैंने वहां जो चीजें देखी उन्होंने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने कभी इतनी गरीबी नहीं देखी थी।
यहाँ तक कि कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन इस तरह भी हो सकता है। इसने मुझे झकझोर दिया और तब मैंने अपनी जिंदगी के आगे के सफर के बारे में सोचा। तब मैंने सोचा कि पैसा प्राथमिकता नहीं हो सकता, मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूँ जहाँ मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकूँ। सिविल सेवा मुझे ऐसा करने का एक तरीका लगा। मैंने बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्लेसमेंट के बजाय सिविल सेवा की परीक्षा दी। IAS मेरी पहली पसंद थी, लेकिन मेरे नंबर कम आए, मैं IPS बन गया। मैं वर्दी में खुश था। 25 मई 2019 को पुलिस से इस्तीफा देते वक्त अन्नामलाई बेंगलुरु दक्षिण के DCP थे। तब उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, मैंने 10 साल पुलिस की सेवा की। मुझे लगता है एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ 3 महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। पुलिस सेवा में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया है, अब आगे का सफर तय करूंगा। 29 मई 2019 को पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई 25 अगस्त 2020 को BJP में शामिल हुए। तमिलनाडु के करूर जिले से आने वाले और कोयम्बतूर में एक साधारण कृषि परिवार में जन्मे अन्नामलाई कोंगुवेलार जाति के हैं। इनकी जाति आजादी के वक्त तो फॉरवर्ड जाति थी, लेकिन 1975 से इसे बैकवर्ड जाति का दर्जा दे दिया गया है। 9 जुलाई 2021 को तमिलनाडु BJP के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले अन्नामलाई कुप्पुसामी का राजनीतिक करियर महज 11 महीने का रहा है। 36 साल की उम्र में एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बनने को राजनीतिक जानकार बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। जानकार इसे BJP की छोटी जातियों को लुभाने की नीतिगत फैसले से जुड़ा कदम मानते हैं, क्योंकि दलित समाज से आने वाले पूर्व अध्यक्ष LMurugan को मोदी कैबिनेट के विस्तार में जगह मिली और साथ ही पार्टी के एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत नए अध्यक्ष के चयन का फैसला किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनावों में अन्नामलाई BJP की तरफ से चुनाव भी लड़े थे, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अरवाकुरुची सीट से चुनाव लड़ने वाले अन्नामलाई को 24,300 वोटों से हार मिली थी। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।